Hello friends, welcome to you and me. Today we are going to the next topic, that is Memorandum of Association Part 4, under which we are going to discuss the Ultra Virus Contract. इससे पहले जो हमने Memorandum of Association पढ़ा था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी क्लॉजेज हैं, क्लॉजेज का मतलब कि उसमें हम क्या नोट डाउन करते हैं. दिस इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो इसलिए वो हर जगह पर प्रेजेंट होना चाहिए. आपका जहाँ पे भी रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां पर वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो पढ़ा होना चाहिए. तो अब हमने उसमें पढ़ा था कि हर एक मेमोरेंडम जो होता है वो एक कंपनी का आउटलुक है, जो लोगों को प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि एक कंपनी एक्चुअली में करती क्या है. तो वो उसके बाउंड्रीज के बारे में, उसके उसका काम क्या है इसके बारे में, उसका नाम क्या है, उसके कौन शेयर होल्डर है, उनके क्या कैपिटल है, उनके क्या लाइबिलिटी है, इसके बारे में बताता है. तो आज हम उसी के रिलेटेड एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, विच इज नोन एज अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट. तो अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? अल्ट्रा का मीन होता है बियॉन्ड एंड वायरस का मीन होता है पावर्स, यानी कोई भी ऐसा काम जो आपकी पावर के अंदर नहीं है, अगर वो कोई कंपनी काम कर देती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. like, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. आपकी आपने कोई कंपनी शुरू करी, उस कंपनी में आप जो है वो मैन्युफैक्चर करते हो मोबाइल फोन्स. तो आप क्या करते हो, आपकी जो भी आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें आपने लिखा हुआ है कि कंपनी के पास सिर्फ क्या पावर्स है टू मैन्युफैक्चर द मोबाइल फोन. अब कंपनी क्या है, वो मोबाइल फोन के साथ साथ कोई टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज भी प्रोवाइड करना शुरू कर देती है, बट उसने ये सब कुछ अपने ऑब्जेक्टिव क्लॉज में नहीं लिखा हुआ. तो ये अगर कंपनी किसी को टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है और बाद में कंपनी वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती या फिर किसी तरह की धोखाधड़ी करती है, तो उस केस में उस कंपनी के खिलाफ हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो पावर्स जो है वो कंपनी के पावर्स के अंदर ही नहीं है, उसके ऑब्जेक्टिव के अंदर ही नहीं लिखा हुआ. तो अगर कोई व्यक्ति उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ एंटर भी करता है तो उस केस में क्या होगा कि कंपनी बोलती है कि जो भी कोई व्यक्ति कंपनी के साथ एंटर करता है, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, उसको उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है. तो इसका मतलब उस व्यक्ति ने वो दोनों डॉक्यूमेंट नहीं पढ़े, तो इसीलिए वो पावर से बियॉन्ड है, वो काम वो कर ही नहीं सकती. तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? नल एंड वॉइड होते हैं. तो आज हम यही चीजें जो है वो पढ़ने जा रहे हैं कि किन सिचुएशंस में एक कॉन्ट्रैक्ट या एक काम जो कंपनी ने कर दिया है जो उसकी पावर से बियॉन्ड है, उसका क्या इफेक्ट रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद अ चैप्टर अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट. सो अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड एंड वायरस मीन्स पावर. एन एक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस टू कंपनी मीन्स एन एक्ट डन बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी. कोई भी काम अगर कंपनी अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड करती है, जो उसकी पावर के अंदर नहीं है, उससे बाहर कोई काम करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. अब इसका इफेक्ट क्या होगा? तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई भी कंपनी कोई भी ऐसा काम करती है जो उसकी पावर के बियॉन्ड है, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे इलीगल होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? वॉइड होंगे, यानी उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं माना जाता, वो खत्म है, वो शुरू से ही उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकता. इट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड इवन बाय द होल बॉडी ऑफ द शेयर होल्डर. ये किसी के द्वारा भी रेक्टिफाई नहीं किए जा सकते. एंड अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल बट इंट्रा वायरस द कंपनीज एक्ट. अब यहां पर एक चीज आपको और ध्यान से सुनने वाली है कि कोई भी काम जो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की पावर के बियॉन्ड है, यानी उसमें हमने मेंशन नहीं किया लेकिन कंपनी एक्ट हमें उसकी परमिशन देता है, कंपनी एक्ट 2013 या फिर हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो काम करने की हमें परमिशन देता है, तो उस केस में हम एक अपनी जर्नल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करके इस काम को क्या कर सकते हैं? इस काम को हम इंट्रा वायरस बना सकते हैं, यानी ये हमने अपनी पावर के अंदर लिया जा सकता है. तो यहाँ पर अब आपको ध्यान से सुनने वाली बात है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट है, उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको वो काम करने की परमिशन देता है, कंपनी एक्ट 2013 आपको वो काम करने की परमिशन देता है, तो बाय पासिंग अ जर्नल रेजोल्यूशन इन अ मीटिंग, अ जर्नल मीटिंग, आप अपने आर्टिकल को अमेंड करके उस काम को क्या कर सकते हो? सही कर सकते हो.
And ultravirus, the power of the director, but intravirus, the companies can be rectified by the shareholder by resolution in a general meeting. दूसरी चीज क्या है कि एक काम directors ने कर दिया जो उसकी power के beyond था, यानी ये director काम नहीं कर सकते, but फिर भी उन्होंने कर दिया, लेकिन company act या memorandum जो है वो उसकी permission देता है, तो भी उस case में भी जो shareholders हैं, वो journal meeting में, अगर उनको लगता है कि ये काम उनके company के फायदे के लिए है, तो वो जर्नल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करके उस काम को भी सही ठीक कर सकते हैं. सो दीज आर द टू कंडीशंस. लाइक अगर वो इंट्रावायरस कंपनी एक्ट के इंट्रावायरस है, मेमोरेंडम के इंट्रावायरस है, तो आप एक रेजोल्यूशन पास करके उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो. लेकिन अगर कोई भी काम जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है और आपके कंपनी एक्ट उसकी इजाजत नहीं देता, तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को आप किसी भी तरह से ठीक नहीं कर सकते. तो इसकी एक एग्जांपल अभी पढ़ते हैं. एक कंपनी थी जिसको जिसके पास द कंपनी हैज अ पावर टू बोरो द मनी, यानी वो उधार ले सकती है, लेकिन इससे पहले उनको क्या करना पड़ेगा कि अगर जो डायरेक्टर्स हैं वो 5 लाख तक की तो बोरिंग्स ले सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा की वो बोरिंग्स लेते हैं तो उनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स इन द जर्नल मीटिंग. तो ये एक रूल बना रखा था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ था कि अगर किसी कंपनी को 5 लाख तक का लोन लेना है तो वो डायरेक्टर बिना किसी की इजाजत दे सकते हैं, लेकिन अगर उनको 5 लाख से ज्यादा का लोन लेना है तो उसके लिए पहले उनको एक रेजोल्यूशन या परमिशन लेनी पड़ेगी जर्नल मीटिंग में, उसके बाद में क्या कर सकते हैं डायरेक्टर्स जो है वो लोन ले सकते हैं. अब डायरेक्टर्स क्या करते हैं, वो 7 लाख के जो है वो शेयर्स जो है वो डिबेंचर्स जो है वो इशू कर देते हैं विदाउट द टेकिंग the permission or approval from the shareholder. अब इस केस में क्या होगा, अब आप बताओ इस केस में क्या हुआ, क्योंकि वो क्या है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अल्ट्रावायरस है लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के इंट्रावायरस है, तो इस केस में जो डायरेक्टर्स हैं उनकी इस गलती को सुधारा जा सकता है बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन अ जर्नल मीटिंग, यानी जर्नल मीटिंग में एक वो रेजोल्यूशन पास कर देंगे कि ये काम जो है वो डायरेक्टर्स का सही कर दिया जाए. अगर सब परमिशन देते हैं तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो सकता है, सही हो सकता है. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायरस कॉन्ट्रैक्ट. अब इसी तरह से एक और केस डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही फेमस केस है, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे. अब ये यहां पर हम जो चीज डिस्कस करेंगे ना इस केस में हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट है, यानी उसकी वो परमिशन ही नहीं देता, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा से ही वॉइड रहेगा. तो अभी इसको केस को पढ़ते हैं. इस केस में क्या है कि एक कंपनी जो है उसके पास रेलवे वैगन्स, जो रेलवे की बोगियां होती हैं, उसको बेचने की पावर होती है. तो जो कंपनी का डायरेक्टर है वो रिचे के साथ एंटर कर जाता है कि हम आपको जो रेलवे लाइंस है उसके लिए हम आपको फाइनेंस कर देंगे, उनको बनाने के लिए हम आपको फाइनेंस दे देंगे. अब यहां पर क्या है, कंपनी के पास पावर किसकी है, रेलवे वैगन्स की, लेकिन वो किसके लिए फाइनेंस दे रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन. तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो इस चीज को मना कर देते हैं कि क्यों मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि ये तो अल्ट्रा वायरस है, आप ये काम कर ही नहीं सकते हो. रिचे जो है वो बाद में क्या करता है, वो कंपनी के अगेंस्ट एक्शन ले आता है और केस जो है वो कोर्ट पे चला जाता है. तो कोर्ट वहां पर कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं सकता. रिचे को वो बोलती है दैट यू हैव टू रीड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ना चाहिए था, कंपनी के पास इस चीज की पावर ही नहीं है, तो वो ये काम कैसे कर सकती है, ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही क्या है, नल एंड वॉइड है. तो अब यहां पर जो मेन इसका पर्पस निकला कि हमें ये रूल, कंपनी को ये रूल बनाने की क्या जरूरत पड़ी, तो कंपनी कहती है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी क्रेडिटर्स हैं, उनका पैसा गलत जगह पर कंज्यूम नहीं होना चाहिए, इस वजह से ये रूल जो है वो बनाया गया है. सो पर्पस ऑफ डॉक्ट्रिन, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर बाय इंश्योरिंग दैट कंपनीज फंड आर नॉट वेस्टेड इन अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज, कि कंपनी का कोई भी पैसा जो है वो किसी भी तरह से गलत डायरेक्शन में लगना नहीं चाहिए. प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर, शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो और क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो, ताकि उनका, उन्होंने जो पैसे लगाए हैं उस कंपनी में, जो इन्वेस्ट किए हैं,
वो सही जगह पर लगाए जाए, किसी भी अनऑथराइज्ड एक्टिविटी में वो पैसा ना लगाया जाए। नाउ अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई कंपनी जो है वो अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन कर देती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? तो सबसे पहले होता है इंजेक्शंस। इंजेक्शंस होता है रोक लगा देना। अगर आप किसी काम को कर रहे हो तो आप कोर्ट से अगर ऑर्डर ले आओ तो वो काम क्या है उसके ऊपर रोक लग जाती है। व्हेन एन अल्ट्रा वायरस एक्ट हैज डन और इज अबाउट टू बी डन, एनी मेंबर ऑफ द कंपनी वो क्या कर सकता है, कोर्ट के पास जाकर इसको ना करने की परमिशन लेके आ सकता है कि जहां है इसको वहीं पर रोक दिया जाए। ऐसी परमिशन जो है वो लेके आ सकता है। पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, अगर कोई कंपनी ऐसा काम, कोई डायरेक्टर जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाती है तो उस केस में जो कंपनी का पर्टिकुलर डायरेक्टर होगा वो सारी की सारी लाइबिलिटी उसके ऊपर डाली जाएगी, कंपनी इसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहराई जाएगी। एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी कैन ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर टू पे द कंपनी मनी दैट हैज बीन वेस्टेड बाय देम इन अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन। तो वो कंपनी की लाइबिलिटी नहीं होगी, वो उस पर्टिकुलर डायरेक्टर की लाइबिलिटी होगी। cannot be sued or cannot sue or be sued, जो कंपनी है किसी भी अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट को उसके लिए स्यू नहीं कर सकती, केस फाइल नहीं कर सकती। द इम्पैक्ट ऑफ द डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज दैट द कंपनी कैन नीदर बी स्यूड ऑन अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन नोर कैन इट स्यू ऑन इट, यानी ना तो वो केस फाइल कर सकती है और ना ही कंपनी के ऊपर ही केस फाइल किया जा सकता है। क्योंकि अब मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो मेमोरेंडम है वो क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी के साथ डील करता है, इट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन दैट ही मस्ट हैड रेड दैट पर्टिकुलर मेमोरेंडम। अगर उसने कंपनी के साथ डील करना है तो उसको पता होना चाहिए कि कंपनी की पावर में क्या है। अगर वो नहीं पढ़ता है तो ये इसकी गलती है, कंपनी की गलती नहीं है। सो प्रॉपर्टी एक्वायर्ड अंडर अल्ट्रा वायरस एक्ट। नेक्स्ट क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्ट्रा वायरस कंपनी ने अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कोई प्रॉपर्टी जो है वो परचेज कर ली, यानी कंपनी के पैसे यूज करके कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, तो भी उस केस में वो कंपनी के जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी की रहेगी। क्यों रहेगी कंपनी की? क्योंकि जो पैसा लगा है वो किसका है, कंपनी का है। अब इसके अगेंस्ट एक्शन कैसे लिया जा सकता है? ये एक्शन जो है वो जिसने वो कंपनी के लिए प्रॉपर्टी परचेज करी उस व्यक्ति के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, कंपनी के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता। सो द कंपनी इज राइट ओवर द प्रॉपर्टी स्टिल वैलिड, दिस इज सो बिकॉज इवन दो इट वॉज रॉन्गली एक्वायर्ड इट रिप्रेजेंट्स कंपनीज मनी, क्योंकि उसमें कंपनी का पैसा लगा है। नो रेक्टिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनीज एक्ट आर वॉइड एंड दे कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। मैंने आपको बार बार बताया कि कोई भी काम अगर वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसकी करने की इजाजत नहीं देता, अगर कंपनीज एक्ट उसको करने की इजाजत नहीं देता, तो उसको आप किसी भी तरह से सही नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके वो कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तो हैं पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कंपनीज एक्ट उसको करने की इजाजत देती है, तो आप उसको जर्नल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्ट्रावायरस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज अल्ट्रावायरस लैंडिंग ऑफ मनी। इफ द डायरेक्टर हैव लेंट मनी एंड इफ सच लेंडिंग इज अल्ट्रावायरस द कंपनी कैन स्यू फॉर द रिकवरी ऑफ द मनी। अगर किसी डायरेक्टर ने अपना पैसा जो है वो उधार पर दे दिया अल्ट्रावायरस, यानी उसकी पावर में नहीं था फिर भी उसे उधार पर दे दिया, तो कंपनी जो है वो अपना पैसा क्या कर सकती है, वापस मांग सकती है। तो ओवरऑल अगर मैं इस पूरे सिनारियो की बात करूं तो इसमें क्या है कि कंपनी जो है अगर तो उसको अल्ट्रा वायरस से किसी तरह का कोई बेनिफिट हो रहा है तो वो बेनिफिट्स वो ले सकती है, लेकिन उस पर्सनल जो पर्सन है, जो डायरेक्टर है, जो शेयर होल्डर है, जिसने ये गलती करी है, उसकी लायबिलिटी होगी, कंपनी की नहीं होगी। लेकिन अगर उससे कोई लायबिलिटीज होती है, कंपनी का कोई नुकसान होता है, तो उसके लिए कंपनी के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। सो जो अल्ट्रा वायरस का नियम बनाया गया है ये इसीलिए बनाया गया है ताकि कंपनी के शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर का जो पैसा है उसको हम हर कीमत पर बचा सके। सो दिस इज द फुल वी कैन से अ ब्रीफ अबाउट द अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई भी अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और टू था कंपनीज टू एक्ट 2013 के बियॉन्ड है तो वो क्या होगा, नल एंड वॉइड होगा। लेकिन अगर वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के
अगेंस्ट है, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपने माना लिखा नहीं, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के वो वैलिड है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम सही कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, ये लेक्चर सीरीज आपको पसंद आ रही है, तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट करें। थैंक यू।